ललितपुर के कस्बा महरूनी में विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एक बार फिर से अपनी विवादित गतिविधियों के चलते सुर्खियों में बना हुआ है। विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए ब्राह्मण महामंडल महरूनी द्वारा जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन SDM को सौंपा है। विद्यालय में ब्राह्मण शिक्षकों को निशान बनाए जाने पर संगठन द्वारा कड़ा आक्रोश जाहिर किया है। गौरतलब है कि वैसे तो यह विद्यालय जनपद में श्रेष्ठ और बेहतरीन है, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से शिक्षा का यह मंदिर अपने विवादित गतिविधियों के चलते सुर्खियों में बना है। विद्यालय में गंदी राजनीति और जातिगत द्वेषपूर्ण गतिविधियों ने इस प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था का माहौल दूषित कर दिया। विद्यालय प्रबंध समिति पहले से ही गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरी है। अब प्रबंध समिति पर जातिवादी मानसिकता के चलते ब्राह्मण शिक्षकों का उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिससे ब्राह्मण संगठन में आक्रोश है। इस संबंध में ब्राह्मण महामंडल क्षेत्र महरूनी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी ने सरस्वती विद्या मंदिर में ब्राह्मण शिक्षकों पर मनमाने ढंग की गई द्वेषपूर्ण कार्यवाही पर तीखा आक्रोश जताया है। जे विद्या मंदिर में ब्राह्मणों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया है। वहाँ की अनियमितताएं, जितनी वित्तीय अनियमितताएं, कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, उसके खिलाफ में ज्ञापन दिया है। मांग ये है कि वो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी निष्कासित किए गए हैं, जो भी टीचर, उनको पुनः ज्यों का त्यों वापस रखा जाए। और ब्राह्मण आचार्यों के प्रति उन्होंने षड्यंत्र रच करके उनको हटवाया, और आज भी यही स्थिति है कि 16 ब्राह्मणों को, जिसमें से 4 को लगभग हटा दिया गया, टोटल उनको बर्खास्त कर दिया है, कुछ का ट्रांसफर कर दिया है। जो लोग पहले से 10-10 और 12-12 साल से योगदान अपना दे रहे थे, उनको आखिर बिना नोटिस दिए, कम से कम जिनके बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, दूसरी जगह ले जाना है, तो 1-2 महीने पहले नोटिस तो दिया जाता है, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और कह दिया आपको, आपका ट्रांसफर किया जाता है। इस तरीके से फिर समाल समाज का है कि एक ही कौम 16 आदमियों, क्या ब्राह्मण ही ऐसे थे कि जिनको दूसरी जगह भेजा जा सकता था, क्या और नहीं थे? तो ये हम लोगों का कहना है कि आखिर हम लोग तो ब्राह्मण ऐसे हैं कि सभी को मानते हैं, हमारे यहाँ कोई वर्गवाद, कोई जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण एक अगुआ होता है, उसके लिए सब भाई बंधु बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। लेकिन आखिर जब हम इस सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा? ब्राह्मण समाज ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिनके कारण हमारे समाज के लोगों को, बच्चों को हटाया जा रहा है? आज हम लोग ब्राह्मण महामंडल के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं, जो विद्या मंदिर है, शिक्षा का केंद्र है यहाँ महरौनी में, और एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा और एक वर्ग विशेष के खिलाफ ईर्ष्या प्रवृत्ति से उनको हटाया जा रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में एक ऑडियो वायरल हुआ था, वो सभी के संज्ञान में, उक्त ऑडियो जिसमें ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई थी, और पूर्व में भी शैलेंद्र श्रीमाली, उनके द्वारा जो बच्चे ब्राह्मणों के बच्चे अगर टीका लगा के जाते हैं तो उनका टीका मिटा दिया जाता था, उनको लात पैरों से कुचला जाता था। इस संबंध में ब्राह्मण महामंडल ने प्रबंधन समिति श्री मुन्ना लाल जी जैन को, जो प्रबंधक हैं वहाँ के, उनको ज्ञापन दिया था, तो उन्होंने उनको हटाने की जगह यहाँ से हटा के और ललितपुर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ महरौनी से उनकी वेतन जा रही है, और वह और कुंवर जी, और साथ में मैं इसमें उक्त भूमिका सबसे बड़ी जो भूमिका मान रहा हूँ वह मुन्ना लाल जी जैन की है। अब समाज यह नहीं समझ पा रही है कि मुन्ना लाल जी जैन को क्या समस्या है, जमुना प्रसाद साहू जी को क्या समस्या है ब्राह्मणों से और ब्राह्मणों के बच्चों से, या उक्त शिक्षक जो भी ब्राह्मण है, सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं ब्राह्मणों से, मतलब क्या ब्राह्मणों ने आपका बिगाड़ा है कि एक वर्ग विशेष को टारगेट करना, ये कहाँ तक ठीक है? तो आज क्या रूपरेखा बनी है थी? आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देंगे। अगर उक्त कार्यवाही नहीं होती है और ये प्रताड़ना नहीं रोकी जाती है, तो हम सभी ब्राह्मण महामंडल के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसमें समस्त जिम्मेवारी प्रबंधन कार्यकारिणी एवं शासन प्रशासन की होगी। आज ये बैठक वाजपेयी मैरिज गार्डन में ब्राह्मण समाज की बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष आदरणीय लाला राम वाजपेयी जी ने की है। और इसमें मुद्दा रखा गया खासतौर से जो विद्या मंदिर विद्या भारती द्वारा संचालित है नगर में, उसमें कई अनियमितताएं की जा रही हैं। इसमें खासतौर से ब्राह्मण समाज में जो ऐतराज और साथ में आक्रोश भी है, इसमें चूंकि ब्राह्मणों को टारगेट करके 12 अध्यापकों को हटाया गया, जिसमें शिशु मंदिर से 4 और विद्या मंदिर से 8,
जिसमें चार शिशु मंदिर से उनकी तो सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि उनका बहुत बड़ा योगदान विद्यालय में रहा है। विद्यालय की जो गतिविधियां हैं और जो आज नाम रोशन हो रहा है विद्या मंदिर का, उन अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद भी जानबूझ के उनको टारगेट करके हटा दिया गया है। क्या लग रहा, क्या इसमें कोई जातिगत वैमनस्यता, राजनीति कोई द्वेषपूर्ण? बिल्कुल साफ झलक रहा उनकी कार्यप्रणाली से। ये प्रबंधन कमेटी है, ये प्रबंधन कमेटी जानबूझ के जब 12 हटाए हैं तो उसमें और किसी को तो हटाया नहीं उन्होंने। एक माली था कोई शैलेंद्र माली, उसने ब्राह्मणों को टारगेट करके एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी, ब्राह्मणों को अपमानित किया गया था, विद्यार्थियों को अपमानित किया गया था। इसके बाद जब समाज ने ऑब्जेक्शन उठाया तो प्रबंधन कमेटी है, उसने आश्वासन दिया था कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन उसको प्रमोट कर दिया गया और चौबियाने में उठा के उसको प्रधानाचार्य बना दिया गया, जबकि प्रबंधन कमेटी ने साफ कहा था कि हम इसको कभी भी इस विद्यालय में नहीं रखेंगे। और खासतौर से विद्या भारती की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के विपरीत लोगों को रखा जा रहा है इस विद्यालय में। और जानबूझ के अगर ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की ज्ञापन के माध्यम से? हमारी ये मांगे हैं कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में। खासतौर से हमने ये ज्ञापन तैयार किया है, ज्ञापन हम शासन को भेज रहे हैं, साथ में प्राण प्रचारक जो आरसंघ के हैं उनको भेज रहे हैं, और मुझे इसकी विद्या भारती के प्रदेश निरीक्षक हैं उनको एक ज्ञापन भेज रहे हैं, और बाल कल्याण समिति है उसको भेज रहे हैं, माननीय सांसद जी को भेज रहे हैं, और शिक्षक विधायक बाबूलाल जी तिवारी को भेज रहे हैं। और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें न्याय मिलेगा हम लोग। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे विद्यालय ऐसी प्रबंधन कमेटी का बहिष्कार करेंगे, और हो सकता है कि यह उग्र आंदोलन आगे भविष्य में ये उग्र आंदोलन भी हो सकता है, और अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी।